बाबूशाही टाइम साहब का स्वागत है। अज असी पंजाब विधानसभा है, पंजाब विधानसभा सैशन का पहला सैशन है, 16वीं विधानसभा का। तो सब कुछ बदलिया, सब कुछ नवा है, बहुत चेहरे नवे ने, बहुत गिनती चेहरे नवे ने। तो कुछ उन्होंने यहो जी भी ने जिन्होंने पंजाब के चोन इतिहास नवे मील पत्थर कड़े ने, नवे इतिहास रचा, चोन इतिहास के नवे पन्ने जोड़े ने। ते बहुत एहो जे इतिहासक जिहड़ी है वर्डिक्ट लए ने जिहड़े अज तक किसी ने सोचे नहीं सी। ते उन्हां चों इक ने गुरमीत सिंह खुडियां, गुरमीत सिंह खुडियां जिन्हां ने लंबी हलके तो प्रकाश सिंह बादल नूं हराया, जिहड़ा कि कदे किसी ने सोचा भी नहीं सी जां सोचना संभव लगता सी कि प्रकाश सिंह बादल जिहड़े कि पंज वारी मुख्यमंत्री रहे ने, ते इन्ने कद्दावर ने, इन्ना सीनियर ने, इन्ने मच्योर ने, ते वो हार जाणगे कदे किसी ने सोचा नहीं सी। गुरमीत सिंह खुडियां एक सियासी परिवार चों ने, बुनियादी तौर पर वो भी अकाली परिवार चों ने, टकसाली अकाली परिवार चों ने। उन्हां दे पिता बहुत सीनियर लीडर सीगे, जगदेव सिंह खुडियां, ते उन्हां दी जिहड़ी गुड़ती कह लो भी उन्हां नूं सियासत दी घर चों बचपन चों मिली सी। गुरमीत जी बहुत स्वागत है, थोड़ा बहुत धन्यवाद बलजीत जी, तुसीं मैनूं याद कीता। तुसीं ये दसो कि मैं मेरा उन्होंने बहुत वाह रहा है अपने बजुर्गों नाल, कुड़ियों उन्होंने जड़ी प्रेरणा जा उन्हां दी जड़ी छत्र छाया जा उन्हां दा उहदा की रोल है थोड़ी सियासी लाइफ च? जड़ा जथेदार जी का सारा जीवन तुसी खुली किताब वांग सारे जानते हो, उन्हां दा राजनीति विच होना भी ईमानदारी नूं पहल देनी, लोकां दी सेवा विच अपने आप नूं समर्पित करना, उही जिवें तुसीं कहा गुड़ती दित्ती गई है। सानूं सख्त हदायतां सी भी झूठ नहीं मारना, माफ़ी मंग लिओ जे कोई इहो जी गलती है, कोई आप तो पूरे नहीं आईदा। सो जे कोई अपने कोले आवे उह तो तवक्को इह नहीं रखणी कि साडा सवारी, असीं उहदा सवारन दे लई यतन करना। किसी का खाना नहीं, किसी का मन नहीं दिखाना, हो सके तो किसी का दुख सुख वंडा लो, ये पहला उन्होंने साढ़े लिए साढ़े परिवार लिए हदायत सी। जथेदार जी ने अकाली राजनीति 1955-56 जो खालसा कॉलेज अमृतसर पढ़ते सन, उदों पंजाबी सूबा मोर्चे की लहर चलती सी, मास्टर तारा सिंह होरां नाल उन्हों का राबता कायम होया, उन्हां अकाली लीडरां नाल ज्ञानी करतार सिंह होरां नाल, फिर उस दौरान वो राजनीति वल रुचि रखण लग गए। ग्रैजुएशन करन तो बाद पिंड चले गए, पिंड दी जिहदी पहली पंचायती चोण 1972 च 71 च जां 72 च आई सी, उस वेले साढ़े सारे पिंड ने उन्होंने सर्बसंमति नाल सरपंच बना लिया और सारी पंचायत भी सर्बसंमति नाल चुनी। लोगों लिए उन्होंने सेवा विच हाजिर होए, जिला अकाली जथे दे प्रधान बने, इस तरह साढ़े घर भी सियासत चलती आ रही सी। वो फिर चेयरमैन मंडी बोर्ड बने 3 साल वास्ते, 77 to 80 तक ईमानदारी नाल सेवा, उन्हां दी ईमानदारी दे मील पत्थर अज भी जिहड़े गड्ढे आ लोगों नूं दिस रहे है। और 1999 च जो 84 च पंजाब नाल बहुत धक्का होया, उस वेले अकाली लीडरशिप नूं भी वो जिम्मेवार समझण लगे भी इन्हां ने पंजाब दा पक्ष नहीं पूरिया, खड़े नहीं, लोगों नाल धोखा हो गया, पंजाबियों नाल सिखां नाल। वो फिर एक होर लाइन च हो गए, बाबा जोगिंदर सिंह जी होर ने 1999 च उन्हां नूं लोक सभा की टिकट दे दित्ती। जिवें अज चोण है इस तरह, उस तरह भी लगता सी बहुत वड्डे बंदे सरदार हरचरण सिंह बराड़ होर चोण सी, उस वेले भी साढ़े जिहड़े हल्के तों जित्ते सी फरीदकोट हल्का सी लोक सभा का, फरीदकोट हल्के चों 1,57,000 का फर्क वोटां का सरदार हरचरण सिंह बराड़ तो भाई शमिंदर सिंह होरां तो 2.5 लाख का सी। सो अज भी जो मेरी चोण सी तो लोग कहिंदे सी भी उस तरह की गल चलती, हुण वेखो की नतीजा आउंदा, पर मैनू ये जरूर लगता सी कि मैं उन्हां तो बाद
जो इस हल्के लोगों राबता रख्या है, दुख सुख में असी हाजिर हैं, जे किसी का कर सवार सकते वो भी हाजिर है। जथेदार जी तो बहुत वड्डी शख्सियत सन, उन्होंने रीस करनी तो बहुत। मैं पहला जिवें जिक्र किया इन्होंने जथेदार जगदेव सिंह दे 1999 89 भी जड़ा हुण जो कुछ रिजल्ट आए ने पंजाब असैम्बली दे एक्चुअली इतिहास दूजी वारी दोहराया गया। ये फर्क इन्ना ही है भी उदों पार्लीमेंट चोण सी ते बिल्कुल ऐसे तरह रिजल्ट आए सी, नवी पार्टी नवे चेहरे ते रवायती पार्टियां दे सारे वड्डे वड्डे जिहड़े नेता सी वह ऐसे तरह ही हारे सी। उदों चौधरी देवी लाल फिरोजपुर तो चोण लड़े सी, ध्यान सिंह मांड होरां ने हराया सी, ते एक कैंडीडेट तां जेल च बैठा जित गया सी। बिल्कुल इस तरह असी तो मैं जोड़े चोणों दौरान जो कमेंट्री करते हैं असी सवाल भी उठते होंगे सी भी शायद कित इस बार 89 वाली ना हो। 89 जो इस तरह रवायती पार्टियां सारिया लोगों ने रद्द करती सी, जिहड़ी चोण च सिमरजीत सिंह मान 5 लाख तकरीब वोटां जीते सी, उस चोण दे विच ही इन्हां दे जिहड़े पिता जी वो फरीदकोट तो इलैक्शन लड़े सी, ते अज उही जदों पंजाब च मुड़ के सियासी इतिहास चोण इतिहास दोहराया गया तो उदों फिर इन्हों भी मौका मिले अपने पिता वा। लंबी हल्के भी उस तरह ही लग रहा सीगा, जो मैं चलिया तो लोग बहुत चंगा सहयोग देन लगे, वड़े वड़े कट होने लगे, तो सरदार प्रकाश सिंह बादल भी बराबर चल पे, सो उन्हां दे उस तरह नहीं होने लग्या सी। उस वेले मैनूं लगन लग गया सीगा भी लड़ाई बहुत वधिया होगी, तो हौली हौली जदों काफिला वधदा गया 20 तरीक आ गई वोटां पईआं, 20 तरीक तो बाद भी 20 दिन जिहड़े रिजल्ट नहीं आया, लोगों का घर विच आउणा जाणा तकरीबन 1,000 बंदा रोज़ का, 10-10, 8-8 पिंडां तों कितों 200 कितों 150 बंदा आ के रोज़ मिल के जांदा सी। उह अपनी चोण की गल करके भी अपने पिंडों बहुत वधिया रूह, तो मैनूं इह बहुत हौसला सी भी इस बार भी फिर उही इतिहास लोग दोहरा देणगे और दस देणगे। कोई जरूरी नहीं राजनीति विच पैसा होना जरूरी है या वड्डे रुतबे होने चाहिए, और जे नीत साफ है थोड़े हौसले बुलंद है तो लोग थोड़ा साथ दे देंगे है। ये लंबी हल्के दे लोगों ने करके दिखाया। कोई किस तरह का मतलब थोनों कोई कदम किहो जे लैने पे भी एडे वड्डा लीडर है थोड़े सामने, उन्होंने लड़ाई देने वास्ते किहो जे कदम चुके जां किस तरह की तुसीं स्ट्रैटेजी अपनाई? नहीं वैसे तो बल्ली साहब काफ़ी सालों तो साडा चली जाता, 25-30 हज़ार लोगों का साडा धड़ा है, वो सारे साथी रल मिल के बड़ा भज दौड़ करते रहेंगे एक दूसरे के दुखों सुखों के सांझी का। पर जी ये चोण सी ये फिर चोण लड़न वेले जिमें ड्यूटियां भी बन जाए, मेरी तो मैं उम्मीदवार तौर पर सी उन्हूं जिमें धीरा मेरा भतीजा बड़ी हिम्मत नाल उसने हरी भतीजा ही है बेटा अमीत हरमीत भी कनेडा चो आ गया सी, सारा परिवार असी कितें इहोजे थां गैर हाजिर नहीं हो सके किसी नूं महसूस लग्या होवे भी कितें कैंडीडेट आऊ कि उहदा नां नेड़दा हो, घर घर तक जाके पहुँच करके इस गल लई लोगों ने साडा साथ भी एक बारी ये कह के भी जां तां 1999 जथेदार जी नूं पाईआं सी ऐतकी तैनूं भी असी जरूर पावांगे, सो वड्डा साथ दित्ता है। मैं जिन्ना विश्वास केजरीवाल जी ने टिकट देण वेले कीता सी साडे हल्के ते उसनूं सच दे विच नबेड़ के, और मैं कहा सी भी जरूर बहुत वधिया लड़ाई लड़ूंगा ते मैं उम्मीद करदा कि जित के थोड़े विच शामिल होऊं। कांग्रेस पार्टी क्यों छड्डी सी तुसीं? कांग्रेस काफ़ी देर रहे तुसीं, कांग्रेस पार्टी क्यों छड्डी? कांग्रेस पार्टी मैं तो चलो छड़ती हुण बहुत सारे छड्डी जांदे आ क्योंकि कांग्रेस नूं संभालण वाला ही कोई है नहीं सी, जिन्हां लोकां दी अपनी पार्टी लई लोग दिन रात काम करते सी उन्हां नूं पासे करके कोई होर किस्म दे लड़ाई जिवें कि मेरी पिछली बार भी तैयारी सी लंबी हल्के तो, पर उत्थे अचानक ही महाराजा साहब प्रगट हो गए, मैनूं कवर कैंडीडेट रखिया, मैं तो उन्होंने कवर किया पर बाद च मैनूं ना पार्टी ने कवर किया ना महाराजे ने कवर किया, फिर हौली हौली उस तो निराशा हो जाती है, पासे हो गए, हल्के दे नाल वितकरा होण लग गया, काम धंधे अड़ जाते सन, इसलिए मैं सोचा भी जिस तरह भी टाइम है आपदा लोगों की सेवा विच मैनू आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी होरां ने बुला लिया मैं शामिल हो गया, उन्होंने बहुत बड़ा भरोसा किया भी शायद ये कुछ कण कंडा होगा, तो पहली रैली भी रखी गई बड़ी वड्डा 20-22-25 हज़ार
इकट्ठ होया उस वेले केजरीवाल जी होरां ने एप्रीशिएट भी किया भी लोग है तो मेरा भी हौसला वध्या ते मेरे साथियों का वध गया भी आप बहुत सारे है ये चोण लड़न विच बहुत सहाई हुई तो एडा वड्डा आम आदमी पार्टी नू बहुत वड्डा हुलारा दिता है तुसीं एडा वड्डा नेता जिहड़ा हराया पांच बार दा मुख्यमंत्री ते हुण थोड़िया एक्सपैक्टेशन की ने पार्टी तो या सरकार तो उम्मीदा की ने भी थोनों कोई किस तरह की जिम्मेवारी मिलनी चाहिए सरकार जिम्मेवारी तो बहुत वड्डी एमएलए दी लोगों ने देती पार्टी ने देती है सरकार जो साड़ी है तो सानू असी अपने कम धंधिया लोगों लिए जो लोड़ है उन्होंने पूरा करना साडा मुढ़ला फर्ज है उसनू मैं बाखूबी निभाने लिए सदा लिए तैयार हाँ मैं पिछे नहीं हटूँगा मतलब आम तौर पर यह होंगे भी जो एमएलए बन जाता फिर इच्छा भी होंगी है भी सानू वड्डी जिम्मेवारी जानी मिनिस्ट्री शामिल किया जाए जा इस तरह की जिहड़ी कुदरती है मतलब इच्छा इच्छा रखना कोई वो भी नहीं भी थानू किवें लगता है बल्ली साहब बेनती है भी जिन्ना पार्टी ने विश्वास करके मैनू एडे वड्डे बंदे नाल चोण लड़ाई और हल्के दे लोकां ने एडा वड्डा उस विश्वास नू सच च बदलिया मेरे वास्ते तो बहुत वड्डी प्राप्ति है ते संतुष्टि है अज पहले दिन विधानसभा जो एंटर किए किवें महसूस किया मन च किहो जिहे वलवले आ जरूर लग रहा सी वी सधारण घर विचों मैं जम्मिया पलिया तो इत्थे जिहड़ी पहला विधानसभा च वड्डे वड्डे लोगों की ज़्यादा एंट्री हुई है तो मैनू भी ये लगन लग्या भी एडा वड्डा फैसला इलाके दे लोकां ने उस बंदे नाल जिहड़ा 11 बार विधानसभा का मैंबर रहा होवे पार्लीमेंट का मैंबर और 6 वारी पंजाब दे मुख्यमंत्री 5 वारी पंजाब दे मुख्यमंत्री 1 बार उन्हां नूं डिवेलपमेंट मंत्री रहे ने उह सो उन्हां नाल एड्डी वड्डी जंग विचों कढ के ते मैनू इस सदन विच भेजा एक वारी मेरा मन भी रागमई जिहा हो गया सी भी ये भी करिश्मा है तो वैसे आम तौर पर ना जिहड़े नेता ने बहुत पार्टियां देखे ने कि वो चोणा लड़न वेले भी चोणा दौरान भी उन्होंने ना वो कोई कितने धार्मिक स्थान पर जाता किसी बाबे को जाता है किसी कुछ कुछ करता मतलब तुसी कोई इस तरह का विश्वास हैगा थोड़ा मेरा गुरु घर च श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज बहुत बड़ा विश्वास है जो हर एक दुख सुख वेले ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲਈਦਾ ਵੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਥੱਕ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਕਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੰਮ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੀ ਆਈ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਵਿੱਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਸਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 1-2-3 ਜਿਵੇਂ ਪਰਚਾ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੰਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਣੇ ਉੱਥੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
पुलिस प्रशासन है MLA होने के नाते मैं सरकार वालों सारा दबाव पा के उन्हूं बंद करना साडा पर। चलो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। हम अपना चाह पानी भी पीना है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।